आरमपुरा से हूँ, मेरा नाम सीरत है। हम आज यहाँ पे इस कंपटीशन के लिए आए हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये अपना टैलेंट जो है सामने ला सकते हैं। इससे जो हमें अपने टैलेंट छुपाते हैं, ये इन्हीं वजह से जो प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम कर देते सारे स्टूडेंट्स होते तो बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है उसमें, और बच्चा जो डरपोक होता है वो उसके अंदर से डर चली जाता है। सर मैं इन जिसने ये प्रोग्राम किया है यहाँ पे कम्पीट किया है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा भी ये प्रोग्राम इसी तरह हो और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे लाए जाए, ताकि हर कोई स्टूडेंट अपना हुनर दिखा सके। तो क्या मैसेज रहेगी एज अ स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के लिए, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मेरी मैसेज यही है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि इनका जो शोर है हमेशा इसी तरह से ऊँचा रहे, और कभी ना इसके सामने मतलब कोई भी प्रोग्राम हो तो उसका डट के सामना करें। And I'm here to a drawing competition, and I'm so glad कि ये competition girls के लिए भी है, क्योंकि खाली लड़के ही टॉप नहीं कर सकती हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो भी वो भी टॉप कर सकती हैं। और हमारे स्कूल का नाम हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल है, एंड उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में आने के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। और मैं स्कीम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और मुझे लगता है ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहने चाहिए जिससे बच्चों को सीख मिले कि नहीं वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कल्चर। मेरा नाम जरफशान है, पारमपुरा से, और हुसैनी स्कूल तो आज इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आपने चले, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो क्या चाहती है? मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहे जिससे हमारी स्किल्स इम्प्रूव हो।